क्या नाम है तेरा? सदेव सिंह राठौड। टीम का नाम? सत्यम फाइनेंस जगनाबिकान। फाइनल मुकाबला? हाँ सत्यम फाइनेंस। क्या नाम है भाई आपका? राकेश कुमार। टीम का नाम? आईजी। मुकाबला कौन सा है? फाइनल मुकाबला है। किस गांव में? स्वाई बड़ी में फाइनल मुकाबला आईजी वर्सेज जगनिया। धन्यवाद भाई, चलो अच्छा गेंद दिखाना। रेड पे चले हैं अजय सत्यम फाइनेंस के खिलाफ। अजय पहली रेड पे भेजी बैठे आप उसमें माधीर रेड पे है अजय। एम्प्टी रेड के साथ लौटे हैं वापिस से अजय। फाइनल मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे, काफी रोमांचक भरा मुकाबला। दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये मोतीगिरी स्टेडियम खचाखच भरता हुआ इसी बीच हमारे वीआईपी दर्शक राकेश सिराज को पहुंच चुके हैं। टीम आईजी को द्वारा को यदि कोई खिलाड़ी सुपर रेड लगाता है तो प्रत्येक सुपर रेड पे ₹100 की राशि सोए बड़ी क्रिकेट टीम की तरफ से दी जाएगी। इसीलिए चले हैं रूपी जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी रेड पे। बल्कि अच्छी रेड डालते हैं रूपी। देखना होगा इस मैच में क्या कुछ करते हैं रूपी। रेड है यहाँ पे सत्यम फाइनेंस के लिए। सत्यम फाइनेंस के लिए डू और डाई रेड पे गए हैं। चक्कर लिए गए हैं, निकल निकलने का कोई मौका नहीं। बहुत ही अच्छा गेम देखने को मिल रहा है। दोनों ही टीमों के बीच शानदार मुकाबला चलता हुआ इस सवाईपड़ी के एमजी स्टेडियम में। सवाईपड़ी के एमजी स्टेडियम में दूसरा सेशन कबड्डी प्रतियोगिता का चलता हुआ सत्यम फाइनेंस अभी तक अपना मोटे पर नहीं किया है इस टीम ने। सत्यम फाइनेंस वर्सेज आईजी गोदारा के मध्य फाइनल मुकाबला। टीम आईजी गोदारा को बहुत ही अच्छी टीम है ये। टीम आईजी गोदारा फाइनल मुकाबला में बढ़त लेती हुई इस समय टीम आईजी गोदारा रेड पे वापस अजय। रेड पे वापस है अजय। Yeah, yeah, yeah.
अजय द्वारा अजय द्वारा एंट्री रेट डाली गई। अब आए हैं तीन नंबर दर्शी के खिलाड़ी फौजी आए हैं टीम सत्यम फाइनेंस की तरफ से। सत्यम फाइनेंस एक, टीम आईजी द्वारा 5 पॉइंट। अच्छा ठीक लगा फौजी ने वो भी गजनी को आए शिवा रेड में आए हैं शिवा जो काफी अच्छे रेड है। अच्छा टेकल किया था लेकिन निकल गए बड़े ही चतुराई के साथ शिवा। रेड में फिर से फौजी तो टच का प्रयास फिर से चले हैं फौजी। टीम आईजी द्वारा 4 पॉइंटों की लीड के साथ आगे बढ़ती हुई सीप्रीत डाल के चले फिर से अजू फिर से रेड में आए हैं अजू। एक मात्र रेड चले अभी तक रेड चार मात्र 2 पॉइंटों की लीड बची है। सत्यम फाइनेंस वापसी करते हुए अपनी से निकल गए रूपी लाइन नंबर 80 के खिलाड़ी रूपी निकल गए चतुराई के साथ निकले और एक पॉइंट हासिल किया 6-5 आईजी 6 सत्यम फाइनेंस 5। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमें काफी अच्छी टीमें हैं। धीरे धीरे दर्शक पधार हैं वापिस से इस मैच को लुत्फ उठाने के लिए। रेड पे वापिस आए रूपी इस बार टेकल कर लिए गए हैं रूपी को बहुत दूर रह गया। इस बार ले गए साइड हेलो टीम आई जी बदला को भाई टीम आई जी बदला भैंस नागर दादा नंबर दर्शी ईमानदारी से खेलो गेम फिर से चले फौजी जर्सी नंबर 3 फौजी फिर से चले। देखना है इस बार छुट्टी पे भेजते हैं या कोर्ट में ही मौजूद रहेंगे फौजी। तो टच का दाव किया था फौजी ने लेकिन रेफरी ने नकारा। इसी बीच हमारे भी चंद्रगिरी जी महाराज पहुंच चुके हैं जोरदार तालियों के लिए फाइनल मैच का लुत्फ उठाने और हौसला अफजाई करने के लिए। फिर से रेड पे है अजू अजय
अजय है रेड पे फिर से निकलोगे अजय, 4 पॉइंट मिले यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आउट टीम आईजी के द्वारा। चले रूपी जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी रूपी रूपी चले रेड में किक मारने का कोशिश, बोनस पॉइंट मिला यहां पे सत्यम फाइनेंस को। फिर से आए हैं रूपी, रूपी आए के खिलाड़ी है रूपी, देखना है कि वो अपनी टीम को इस मतदान से निकाल पाते हैं या नहीं। निकल गए रूपी, एक और पॉइंट मिला सत्यम फाइनेंस को 8-14। धीरे धीरे मार्जिन कम होता हुआ, इसी बीच फिर से अर्जुन अजय अच्छा टैकल किया लेकिन निकल गए। बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी है अजय, फिर से चले रूपी, रूपी एकमात्र रेड अभी तक रेड डाल रहे हैं अपनी टीम के लिए। रूपी निकल गए, इधर अजय आ रहे हैं और इधर रूपी आ रहे हैं। बहुत ही रोमांच भरा ये मुकाबला, टीम सत्यम फाइनेंस, टीम सत्यम फाइनेंस में आईजी गोदारा 15। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के बीच। इस बार रूपी देख लो अच्छा टैकल किया यहाँ पे रूपी को, पूरी डिफेंस टूट के पड़ा। कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी है अजय, फिर से रेड में चले हैं अजय, फिर से चले चौबीस नंबर दर्शी के खिलाड़ी इस बार निकल गए 10-17, 7 पॉइंटों का मार्जिन। टाइम कितने बचा है भाई,
साढ़े सात मिनट का गेम शेष है अभी तक। फिर से चले रूपी 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी रूपी एकमात्र है जो रेड पे पॉइंट पे पॉइंट ला रही है और शायद तक अभी तक फिर से चले अजय इधर से अजय रेड डाल रहे हैं उधर से रूपी 9 नंबर दर्शी के खिलाड़ी रेड डाल रहे हैं फिर से रेड पे चले हैं रूपी 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी रूपी देखना होगा रूपी अपनी टीम को किस मजदार से निकाल पाते हैं या नहीं। रूपी एकमात्र प्लेयर है जो अपनी टीम को काफी हद तक जिंदा रखा है जान डाल रखी है टीम के अंदर। रूपी एक सेफ प्रेड करके वापस लौटे अजय वापस आए हैं अजय बोनस प्लस वन पॉइंट। एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा भाई टीम चले हैं वापिस अपनी टीम के लिए एकमात्र वन मैन आर्मी रूपी रूपी चले हैं फिर से रेड में एकमात्र खिलाड़ी चले हैं अपनी टीम के लिए रूपी दो पॉइंट मिले यहां पे स्मृत क्रिया फिर से चले अजय अच्छा पॉइंट लेके आए हैं एक ही पॉइंट है रूपी फिर से
फिर से गेट पे है अजय। अजय वापिस रेड पे। लास्ट 3 मिनट का गेम शेष बचा है। ये कबड्डी का मुकाबला है, कभी भी पलट सकता है, किसी भी करवट किसी भी टाइम करवट ले सकता है। एक रेड के माध्यम से ही मेरी टीम आईजी को द्वारा प्रत्येक पॉइंट पे बहस कर रही है। पंद्रह 20 मात्र 5 पॉइंट का फैसला। अब आए हैं शिवा रेड में आए हैं शिवा। देखना होगा कि शिवा पॉइंट ले जाते हैं, सेफ रेड डालते हैं। शिवा सेफ रेड के साथ मात्र 4 पॉइंटों का फैसला बचा है यहाँ पे। अब आए हैं रूपी आए हैं। रूपी एक मात्र वन मैन आर्मी अपनी टीम के लिए मिलता पत्थर साबित होते हैं, लेकिन इस बार रोक लिए गए हैं रूपी को। यदि ये रेड लग जाती तो सत्यम फाइनेंस की टीम लीड में आने की संभावना थी। राजू जी गुरजी शिवा चले हैं फिर से रेड में। लास्ट क्षणों में ये मैच चलता हुआ एक और पॉइंट हासिल किया टीम आईजी बोदारा ने। बोनस पॉइंट लेके जाते हैं लास्ट रेड। एक मिनट का गेम शेष बचा है। इसके साथ टीम आईजी गोदारा एक अच्छी जीत के साथ जीत हासिल की है टीम आईजी गोदारा ने। गोदारा जिसके स्पॉन्सर ईश्वर गोदारा अपने ही गांव के हैं, उन्होंने ये टीम उतारी थी और विजय हासिल की। इस टीम ने शुरू से लेकर लास्ट तक विजय रथ पे सवार रहे टीम आईजी गोदारा की ईश्वर को बहुत बहुत बधाई हो, उन्होंने पहली बार अपनी टीम उतारी थी और मोती बाबा मोतीगिरी जी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में